सदन में धो देंगे भाजपा को, धो के पटक देंगे। हमारे लालू प्रसाद जी इतना दुख सुख से करने वाली को और कपड़ा धोने वाली को जैसे हमारा दे रहे हैं। लालू तेजस्वी की पार्टी आरजेडी की एमएलसी उम्मीदवार मुन्नी रजक का एक वीडियो सामने आया है। वह बाथरूम में कपड़े पछाड़ पछाड़ कर एमएलसी बनने से पहले संकल्प ले रही हैं। वे कपड़ा धोते हुए कहती हैं कि मेरा शुरू से ही कपड़ा धोने का ही काम रहा है, मेरे माता पिता भी कपड़ा ही धोते थे। उच्च सदन में हम जाएंगे और इसी तरह भाजपा को पटक पटक कर धो देंगे। वह कहती हैं कि राजद का जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कपड़ा धोना छोड़कर उसमें शामिल होने चले जाते हैं। किसी महिला को कोई प्रताड़ित करता है तो हम उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाती हैं। मुन्नी रजक कपड़ा धोते हुए आगे कहती हैं कि पटक पटक कर धो धो कर भाजपा की सरकार को गिरा देंगे। मुन्नी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बोलने में बहुत तेज है, लड़ने भिड़ने का दमखम रखती हैं। आगे सुनिए मुन्नी देवी क्या कुछ कह रही है। हमारे लालू प्रसाद जी इतना दुख सुख से करने वाली को और कपड़ा धोने वाली को जैसे हमारा दे रहे हैं तो ही जाएंगे विधान एमएलसी सभा में उच्च सदन में धो देंगे भाजपा को, धो के पटक देंगे, धो धा के पटक देना हमको भाजपा को। आपसे आपका शुरू से तो यही का रोजगार रहा? हाँ, मेरा बिजनेस यही है, माता पिता भी कपड़ा धोते थे, हम भी धोते हैं, अब इसी से गुजर बसर करते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना, ये अपना भी क्या करें, सादा सा पेटर निमाह करके कपड़ा लता धो करके प्रेस करते हैं। खुशरूपुर स्टेशन के नीचे ही का घर में कपड़ा धो रहे हैं, जाते हैं खाना उना बना उना के किसी तरह से, और जब हमारा प्रोग्राम रहता था सब काम छोड़ छाड़ के चल जाते हैं। अच्छा, जब प्रोग्राम रहता है तो सब छोड़ छाड़ के चल जाता है। जब ऐसे कि क्षेत्र में भी रहता, किसी महिला को दबाता है, तंग करता है, उसके लिए भी हम अचूक हथियार की तरह हम खड़ा हो जाते हैं। इसीलिए मैं भाजपा को, मैं जैसे पटक पटक के कपड़ा धोते हैं उसी भाजपा पार्टी को पटक देंगे, आने वाला समय में गिराने का काम करेंगे। अच्छा, जब आपको लालू जी मिल, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।